आज हम लोग जो विषय लेकर सीखने की कोशिश करने चले हैं वह विषय ही बहुत महत्वपूर्ण है। हम लोग कुंडली की बात रात दिन हमेशा करते रहते हैं कि ये कुंडली है, इस तरह की कुंडली है, यहाँ से भाग देखेंगे, यहाँ से लग्न देखेंगे, यहाँ से त्रिकोण देखेंगे, इन सब बातों की चर्चा हम लोग नित्य प्रति करते रहते हैं। आज हम लोग चर्चा करते हैं कुंडली का निर्माण कैसे करें और कुंडली क्या है, कुंडली के कितने प्रकार हैं, मुख्य रूप से जो बातें हैं उसे हम कैसे जानेंगे। इसके लिए कुंडली का निर्माण कैसे करें इस पर हम लोगों को ध्यान देने योग्य बातें हैं कि उसे गहराई से समझें और आवश्यकता के अनुसार उसे समझें। फलित ज्योतिष शास्त्र या भविष्य कथन विद्या एक जन्म के समय ग्रहों के स्थिति परिस्थिति के अनुसार मनुष्य के विकास और संकोच इन दो मुख्य तत्वों का दिग्दर्शन है। शुभ ग्रह और अशुभ ग्रह का इस वर्गीकरण में उन्हें दो तत्वों के प्रतिबिंब पूर्ण रूप से दिखाई देता है। जिस भाव राशि या ग्रहों से मनुष्य हर्ष खुशी आनंद एवं लाभ प्राप्त करता है उसे विकास कहते हैं, और जितने भी मनुष्य के ऊपर या मनुष्य के कुंडली में जिस कुंडली में मनुष्य को देखने से उसे हानि दुख विषाद संकट मिलता है उसे हम संकोच कहते हैं। अर्थात विकास एवं संकोच इन दो तत्वों पर शुभ और अशुभ ग्रहों की व्याख्या ही कुंडली है, और दो तत्वों के रूपांतर एवं नामांतर पर ज्योतिष फल का एक महल खड़ा हो जाता है। पुराने जमाने में पूर्व के समय में हमारे ऋषि मुनि अपने तपस्या और आत्मबल के आधार पर इन सभी तत्वों का सूक्ष्म विचार कर उसे परिणाम स्वरूप फलित ज्योतिष फलित ज्ञान फलित फलादेश करने का अध्ययन कर चुके थे। कुंडली का निर्माण करने से पहले यह ध्यान देना चाहिए कि किस ग्रह और किस घर में किस स्थिति में किसकी युक्ति के है, किस ग्रह की दृष्टि है, इन सब बातों पर विचार करना पड़ता है। इस तरफ जैसे आप परिवार में और समाज में जो गार्जियन मनुष्य के रूप में होते हैं उसी के मुताबिक परिवार और समाज के प्रत्येक मनुष्य को अपने व्यक्तिगत जीवन के अधिकार का विचार करते कार्य करके ही वो कार्य करते हैं और कार्य करना पड़ता है। उसी प्रकार कुंडली में बलिष्ठ एवं प्रभावशाली ग्रह के प्रभाव में अन्य ग्रहों को अपने व्यक्तिगत कार्य अपने व्यक्तिगत अधिकार के अनुसार कार्य करते हैं, और वह कार्य करते हुए शुभाशुभ फल का देने का भी कार्य करते हैं। यह महत्वपूर्ण सिद्धांत अवश्य ध्यान में रखना चाहिए। फलित करते समय मुख्य तीन बातों पर ध्यान जरूर दें, ग्रह की स्थिति, जन्म ग्रह दशा और ग्रह जो वर्तमान की स्थिति है। कुंडली का फलित करना एक बहुत बड़ा ही कार्य माना जाता है, वह कार्य आप लोगों को जानकारी कर लेनी चाहिए। जैसे हम लोग कोई कुंडली का निर्माण करते हैं तो उस कुंडली के निर्माण में विधिवत से हम लोग को ध्यान देना चाहिए। ये तो लग्न चार्ट हुआ जो प्रथम भाव में यानी लग्न में एक राशि यानी मेष राशि है, या हम लोग देख रहे हैं कि एक दो तीन चार करके 12 द्वादश भाव को हम लोगों ने भर दिया है। लेकिन एक विशेष रूप से हम आप लोगों के सामने एक कुंडली रखते हैं, उस कुंडली को देखें और अध्ययन करें कि हम लोग कुंडली को कैसे देखते हैं, कुंडली के देखने की विधि क्या है, उसके बारे में हम लोग आए चर्चा करते हैं और कुंडली भी आप लोगों के सामने हम प्रमाण के रूप में रखते हैं कैसे हम लोग उसे विचार करेंगे।
तो यहाँ देखिए एक लग्न कुंडली यहाँ बना हुआ है। साधारण तौर पर हमने एक लग्न कुंडली बनाया है। यह कुंडली जो है यहाँ देखिए राम उदय कुमार लखीसराय के रहने वाले हैं, उनके द्वारा यह कुंडली लग्न कुंडली जो है दिया गया है। हम लोग इसी पर विचार आज करते हैं। इसमें देखते हैं कि वृष लग्न की यह कुंडली है, यहाँ पर दो लिखा हुआ है तो हम इसे वृष लग्न की कुंडली कहेंगे, तीन रहता तो हम मिथुन कहते, चार रहता तो कर्क कहते, यानी कर्क लग्न की कुंडली है। इसी प्रकार हम लोग इसको विचार करते हैं। ऐसे मान लें कुंडली में हमें क्या क्या देखने की आवश्यकता पड़ती है, उसके बारे में पहले हम लोग चर्चा करते हैं। अब इस लग्न यह पहले देखेंगे कि यह किस लग्न की कुंडली है, तो यह जो है वृष लग्न की कुंडली है। क्योंकि यहाँ पर दो नंबर लिखा हुआ है, दो नंबर लग्न की यानी शुक्र लग्न की कुंडली कहा जाएगा, इसलिए कि दो और सात भाव, दो और सात राशि के जो स्वामी होते हैं वह शुक्र होते हैं, यानी शुक्र लग्न की कुंडली कही जाएगी और वृष लग्न की कुंडली कही जाएगी, क्योंकि यहाँ पर वृष राशि है। अब आगे देखते हैं ये कुंडली किस राशि की है, यानी कुंडली किस राशि की है, यदि ध्यान देना है हमें तो उस पर ध्यान देंगे। तो कुंडली जो है वृश्चिक राशि की है। अब वृश्चिक राशि का कहने का मतलब यहाँ पर आठवें घर में चंद्रमा है, यानी आठवें घर में ये सातवां भाव हुआ, लेकिन यहाँ पर वृश्चिक राशि आके आठवें राशि यहाँ पर बैठे हुए हैं, जिसमें चंद्रमा यहाँ पर विराजमान है। इसलिए हम कहेंगे कि वृश्चिक राशि की कुंडली है, यानी चंद्रमा जिस भाव में रहते हैं वही भाव जातक की जन्म की राशि होती है, यानी वृश्चिक राशि इस जातक का होगा। अब आगे देखते हैं द्वादश भाव। द्वादश भाव जो है यानी बारहों भाव को मिला करके हम लोग द्वादश भाव कहते हैं, बारहों भाव का अब विवेचना करते हैं। द्वादश भाव के स्वामी किन किन भावों में है इस पर हमें विचार करना होता है। अब द्वादश भाव ये बारह भाव हैं, कौन स्वामी कहाँ पर लग्नेश कहाँ पर बैठे हैं इस पर चर्चा करते हैं। तो यहाँ पर लग्नेश शुक्र पंचम भाव में बैठे हैं, जैसे देखिए कैसे समझेंगे, यहाँ पर दो नंबर लिखा हुआ है वृष, तो वृष और यहाँ पर मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, तुला यानी सातवां नंबर। तो सात दो और सातवां के स्वामी शुक्र हुए, तो शुक्र कहाँ बैठे हैं इस पर दिखाता है। तो शुक्र जो हैं लग्नेश हुए, तो लग्नेश कहाँ बैठे हैं, तो पांचवें चौथे भाव में बैठे हुए हैं। अब आगे देखेंगे धनेश और पंचमेश। धनेश और पंचमेश यानी तीसरा, यानी लग्न भाव का वर्णन हो गया। अब उसके बाद चलेंगे आगे बढ़ेंगे दूसरे घर में। तो यहाँ पर धनेश और पंचमेश यानी तीन और छ राशि के स्वामी जो होते हैं बुध होते हैं। वो कहाँ है लग्नेश, कहाँ बैठे हैं, वह कहाँ पर धनेश हैं, तो लग्नेश तो इनको कहेंगे, धनेश इनको कहेंगे। धनेश जो है यानी मिथुन और कन्या राशि के स्वामी बुध हुए, बुध यहाँ पंचम भाव में बैठे हुए हैं। अब देखते हैं तीसरे भाव यानी तृतीयेश कहाँ पर हैं, तो तृतीयेश यानी चार चौथे घर यानी कर्क के स्वामी जो होते हैं वह चंद्रमा होते हैं। तो चंद्रमा कहाँ बैठे हैं, तो आठवें सातवें भाव में बैठे हुए हैं वृश्चिक राशि के घर में। अब आगे देखते हैं चतुर्थेश यानी चौथे भाव। चौथे भाव में पांच अंक लिखा हुआ है, तो सिंह लग्न उसके स्वामी, सिंह स्वामी हुए। तो सिंह जो हुए वो कहाँ बैठे हुए हैं, यानी इसके ग्रह स्वामी जो होते हैं सूर्य होते हैं। तो सूर्य जो है स्वगृही होकर के अपने ही घर में चौथे ही भाव में सूर्य बैठे हुए हैं। आगे देखते हैं सप्तमेश और द्वादेश। सप्तमेश का मतलब सातवां, यहाँ वृश्चिक और एक और आठ द्वादेश। तो द्वादश भाव यानी बारहवां भाव, तो बारहवां भाव के स्वामी यानी एक और आठ के स्वामी जो हैं मंगल होते हैं। तो ये मंगल कहाँ बैठे हुए, यानी सप्तमेश और द्वादेश कहाँ बैठे हैं, तो मंगल ये लग्न भाव में बैठे हुए हैं। आगे देखेंगे
अष्टमेश और लाभेश। अष्टमेश जो हुए ये नौ नंबर हुआ और लाभेश यानी 11 नंबर। तो इसको अष्टमेश कहा जाता है आठवें भाव को, इनको लाभेश कहा जाता है, इसलिए कि लाभ स्थान यहीं से दिखाया जाता है, यहाँ से हानि भाव दिखाया जाता है यानी आय और व्यय दिखाया जाता है। तो यहाँ पर नौवें नंबर और बारहवें नंबर के स्वामी गुरु होते हैं, जो गुरु अपने ही घर में लाभेश भाव में बैठे हुए हैं, जो स्वगृही बनकर बैठे हुए हैं। आगे देखते हैं नौमेश और दशमेश। नौमेश और दशमेश यानी यहाँ पर देखिए नौवां भाव त्रिकोण है और यहाँ पर दशमेश बनकर के एकादश का यानी दसवें नंबर और ग्यारहवें नंबर के स्वामी जो होते हैं शनि महाराज होते हैं। शनि कहाँ बैठे हैं तो अपने ही घर में त्रिकोण के भाव में बैठे हुए हैं। ऐसे हम लोग इनकी इस ग्रहों की चर्चा करते हैं कि द्वादश भाव में उनके द्वादश भाव के स्वामी यानी बारहों भाव के स्वामी किन किन भावों में बैठे हुए हैं, इसकी चर्चा हम लोग किए। केंद्र, अब बात आती है कि केंद्र या त्रिकोण में कौन ग्रह हैं। अब केंद्र कहा जाता है 1, 4, 7 और 10, ये चार भाव जो होते हैं केंद्र भाव कहे गए हैं। और ये 6 और 5, पंचम और 9 और 1 भी आता है, लेकिन यहाँ लग्न में चला जाता है, लेकिन फिर भी हम लोग को त्रिकोण इनको पंचम भाव को और नवम भाव को कहते हैं। तो ये त्रिकोण में यानी त्रिकोण में बुध और शनि बैठे हुए हैं, केंद्र में मंगल, सूर्य, शुक्र और चंद्र बैठे हुए हैं, विराजमान हैं। इस प्रकार हम लोग इसकी गणना करेंगे, इसको बताएंगे और समझेंगे। अब आती है कि ग्रहों को दृष्टि किन किन भावों पर है, अब इस पर चर्चा करना पड़ता है, ध्यान देना पड़ता है, यानी ये ग्रह जो बैठे हुए हैं इनकी किन किन ग्रहों के भाव कहाँ पर इनकी दृष्टि पड़ रही है। तो चतुर्थ भाव में मंगल दृष्ट है, मंगल से दृष्ट है, यानी चतुर्थ भाव जो है यहाँ पर यानी मंगल को 3 दृष्टि प्राप्त है, 4, 7 और 8। तो यहाँ से गिनती करेंगे 1, 2, 3, 4, यानी मंगल की दृष्टि चौथे भाव पर है, मंगल की दृष्टि 7वें भाव पर है और मंगल की दृष्टि 8वें भाव पर है। उसके बाद देखते हैं शनि। शनि को 3रा, 7वां और 10वां घर का दृष्टि, 3 दृष्टि प्राप्त है शनि को। तो शनि को देखेंगे यहाँ से 3रा, 1, 2, 3 यानी लाभ भाव जो है वो शनि से दृष्ट है। 7वां हो गया आपको तृतीय भाव, यहाँ तृतीय भाव शनि से दृष्ट है। और 10वां भाव जो हुए यहाँ से गिनती कर लीजिए 7, 8, 9, 10 यानी 6वां भाव ये भी शनि से दृष्ट हो रहे हैं। आगे देखते हैं गुरु जो है, गुरु की दृष्टि उनको भी 3 प्राप्त है। जो गुरु की दृष्टि जो है 5वीं दृष्टि, 7वीं दृष्टि और उनको 9वीं दृष्टि प्राप्त है। तो गुरु को 5वीं दृष्टि जो है 1, 2, 3, 4, 5 यानी तृतीय भाव पर दृष्टि पड़ रही है। 7वीं दृष्टि गुरु को जो है यहाँ पर पंचम भाव को के पर पड़ रही है। उसके बाद उनको 9वीं दृष्टि प्राप्त है। तो 7 यहाँ पर हो गया था 8, 9 यहाँ पर मैंने 7वें भाव को भी देख रहे हैं। इस प्रकार गुरु की दृष्टि 3 भाव पर पड़ रही है। आगे देखते हैं शुक्र की दृष्टि, 7वीं दृष्टि ही मात्र उनको प्राप्त है। तो शुक्र कहाँ देख रहे हैं, कहाँ किस भाव को देखते हैं, तो शुक्र जो है 10वें भाव की पर उनका दृष्टि पड़ रही है, यानी 10वां भाव भी शुक्र से दृष्ट है। इस प्रकार हम लोग विवेचना करेंगे। अब चंद्रमा को देखेंगे, चंद्रमा की दृष्टि एक ही 7वां भाव ही 7वें पर ही उनको दृष्टि एक ही राशि का प्राप्त है, यानी एक ही दृष्टि उनको प्राप्त है, इनको 3 दृष्टि प्राप्त नहीं है, 3 दृष्टि मात्र गुरु शुक्र गुरु शनि और मंगल को ही 3 दृष्टि प्राप्त है, बाकी और ग्रह को मात्र 7वीं दृष्टि ही प्राप्त है। तो चंद्रमा की दृष्टि लग्न भाव पर पड़ रही है, यानी लग्न भाव चंद्रमा से दृष्ट हैं।
बुध अब रह गए, तो बुध की दृष्टि कहाँ कहाँ पर है, तो बुध को भी सातवीं दृष्टि ही एकमात्र प्राप्त है, जो बुध को सातवीं दृष्टि यहाँ पर लाभेश भाव पर दृष्टि पड़ रही है, यानी बुध जो है लाभ भाव को देख रहे हैं। इस प्रकार हम लोगों को कुंडली निर्माण करने में चर्चा करना चाहिए और समझना चाहिए। साथ ही यदि वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक शेयर तथा सब्सक्राइब अवश्य करेंगे। धन्यवाद।